हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केडार गुरु। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट लेकर आया हूँ फोन पे का। तो यदि आपने भी अपने फोन पे को अपडेट कर लिया है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो पहले पार्टनर बैंक था वो यस बैंक था, अभी जो इसका पार्टनर बैंक है एक्सिस बैंक हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर यूपीआई में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से एक लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोन पे के इस अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है और फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ बदला बदला सा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पहले आपको यहाँ पर स्लाइड ऑप्शन में कुछ और ही देखने को मिलते थे, अभी आपको स्लाइड्स ऑप्शन में कुछ और ही देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने इसको ऑलरेडी से अपडेट करके रख लिया है, तो अभी इसे फर्स्ट अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद सिंपली आप ओपन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप अपडेट करके एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। साथ ही ऊपर में एक आपको पॉपअप देखने को मिल जाएगा जहाँ पर मेंशन है फोन पे पार्टनर्स विद एक्सिस बैंक, वी हैव रिजर्व्ड एक्सिस बैंक यूपीआई आईडी फॉर यू। और एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपने एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि हमें यहाँ पर एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी क्यों इनेबल करना चाहिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट में यहाँ पर एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर देखिए मेंशन है पावर्ड बाय एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर अगर यदि आपने किसी नेम या फिर जीमेल आईडी के थ्रू यूपीआई आईडी बनाई होगी तो वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। साथ ही आपको एट दी डॉट के बाद में AXL देखने को मिल जाएगा। पहले आपको YBL देखने को मिलता था, यानी जो पहले इसका पावर्ड बैंक था वो यस बैंक था, अभी जो इसका पावर्ड बाय हो चुका है एक्सिस बैंक हो चुका है। इसे मैं यदि आपको डिटेल में समझाऊं तो उसके लिए यहाँ लर्न मोड वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। देन यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको एक्सिस बैंक की यूपीआई आईडी इनेबल करने के बाद क्या क्या बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी इनेबल करते हैं तो आपको इसके तरफ से बेटर एंड फास्टर पेमेंट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। इट मीन्स जब आप पहले कोई भी ट्रांजेक्शन करते थे तो कई बार आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता था, या आप रिचार्ज करते थे वो पेंडिंग में शो करता था तो काफ़ी टाइम बाद वो अपडेट होता था। तो इस तरह के इश्यूज फेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा जो है यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक का अगर आपके पास अकाउंट नहीं भी है तब भी आप अपना एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास एक एक्सिस बैंक का अकाउंट होना ही चाहिए। तो जैसे आप यहाँ इसको अपडेट कर लेते हो और आपका एक्सिस बैंक यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाता है, उसके बाद से आपकी कोई भी पेमेंट्स वगैरह हो वो आपका पावर्ड बाय एक्सिस बैंक के थ्रू ही जाएगा। चाहे आप रिचार्ज करो, बिल पेमेंट्स करो या किसी को पेमेंट करो, इट मीन्स अब आपका जो भी यूपीआई आईडी यहाँ पर बनेगा लास्ट में आपका AXL लग जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे कि आपका जो पहला पुराना यूपीआई आईडी था, जो भी आपका नंबर हो या फिर आपने ईमेल आईडी के थ्रू बनाया हो या किसी नाम के थ्रू बनाया हो, उसके बाद में @YBL लगता था और पहले जो भी आपने डिजिट वगैरह थे या लेटर थे उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रहेगा, बस लास्ट में आपका @AXL लग जाएगा। तो अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही आप एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पे प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पर सिम सेलेक्ट करना पड़ेगा, यदि आपके फोन में ड्यूल सिम है तो मैं यहाँ पर अपना फोन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे प्रेस करते हो तो आपका नंबर जो है वेरिफिकेशन में चला जाएगा और आपके नंबर के थ्रू एक SMS सेंड किया जाएगा, जिसके लिए आपके अकाउंट में मिनिमम ₹1 होना चाहिए या फिर कोई SMS पैक एक्टिव होना चाहिए, तभी आप एक्सिस बैंक के यूपीआई आईडी को इनेबल कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका यूपीआई आईडी इनेबल हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक्टिवेटेड का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इट मीन्स अब ये एक्टिवेटेड हो चुका है। अब आप फोन पे एप्लीकेशन में पावर्ड बाय एक्सिस बैंक का यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं। तो यदि आपके भी फोन पे अकाउंट में अपडेट करने के बाद में इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है तो जल्द से जल्द आप भी एक्सिस बैंक यूपीआई आईडी को इनेबल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारे फायदे हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, यदि आपके अकाउंट में ये वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है या फिर कभी आपको शो किया था जिसको आपने इग्नोर कर दिया,
तो डोंट वरी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये जल्द ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ कुछ अकाउंट्स में ये देखने को मिल रहा है, कुछ अकाउंट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि मेरे पास अभी फ़ोनपे के 3 अकाउंट है, जिसमें सिर्फ मुझे एक अकाउंट में ये ऑप्शन देखने को मिला है, अभी दोनों अकाउंट में ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन आई होप फ़ोनपे की तरफ से ये सभी अकाउंट में शो करने लग जाएगा और वहाँ पर आप एक्सिस बैंक का UPI ID एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में किस तरह का कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।